अस्सलाम वालेकुम, सुनो क्रिकेट एपिसोड 6 के साथ आप सबको एक बार फिर से वेलकम। आज बात करेंगे पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका की, जहां पाकिस्तान 3 ODIs और 4 T20 नेशनल मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान का पहला वनडे मैच 2 अप्रैल से साउथ अफ्रीका में स्टार्ट होगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे स्टार्ट होगा। इस मैच के वजह से बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 लास्ट वनडे इंटरनेशनल से काफ़ी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि फखर जमान इस बार टीम के साथ होंगे। और प्लेइंग 11 पर अगर नज़र तो रहे हैं, इमाम उलग के साथ फखर जमान और इनके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इंक्लूजन के बाद अब देखना ये होगा कि वो किस पोजीशन पर खेलेंगे। और मोहम्मद रिजवान के बाद हैदर अली और उनके बाद जो अब नेक्स्ट पोजीशन होगी वो ज़ेरे बहस है इस वक्त, क्योंकि सौद शकील एक ऐसे प्लेयर थे जो इस पोजीशन पर अच्छे खेल सकते थे, मगर वो अब स्क्वाड से बाहर है, उनकी जगह आसिफ अली को ऐड किया गया है। अब देखना ये है क्या मैनेजमेंट दानिश अजीज़ या फिर आसिफ अली को इस प्लेस पर मौका देती है, या फिर जैसे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखा जा रहा है कि 2 विकेटकीपर्स को एक साथ खिलाया जा रहा है, और जैसे कि इंग्लैंड और इंडिया 2-2 विकेटकीपर के साथ वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल रही है, क्यों ना पाकिस्तान भी इस बार 2 विकेटकीपर के साथ वनडे इंटरनेशनल में उतरे। इस हवाले से हमारे साथ आज मुबशिर ने एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है, आइए वो देखते हैं। आज हम रिजवान और सरफराज के बारे में बात करेंगे। जिस तरह आजकल हर जगह यही बात चल रही है कि सरफराज और रिजवान दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए। अगर हम पहले T20 में देखते हैं तो रिजवान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, चाहे वो PSL हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो या डोमेस्टिक हो। अगर हम उनको देखते हैं तो वो PSL में टॉप स्कोर रहे हैं। इसी तरह अगर हम सरफराज की बात करें तो उनकी भी फॉर्म बहाल होते हुए नज़र आई है, वो भी PSL के टॉप 5 रन गेटर्स में थे। इसी तरह अगर T20 की बात करें तो अगर हम लोगों के पास ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान का हो तो दोनों एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, मतलब वो एक ही तरह का स्ट्राइक रेट है। इस वजह से पाकिस्तान ने इस बार साउथ अफ्रीका टूर के लिए शजीर खान को सिलेक्ट किया है, ताकि हमें ओपनिंग के लिए ऐसा प्लेयर मिल सके जो हमें ज़्यादा रन स्ट्रेक तेज स्ट्राइक रेट के साथ करके दे सके। इसी वजह से रिजवान की जगह अगर नीचे देखी जाए तो वो ऐसा परफॉर्म कर सकेंगे कि नहीं, जैसा वो अपने स्लॉट में कर रहे हैं। इस वजह से मेरी नज़र में ये है कि अगर हम T20 में अगर बाबर और शजील का अगर ओपनिंग पेयर बनाते हैं तो हमें सरफराज को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉर्म का मसला था थोड़ा बहुत, वो भी उनकी फॉर्म बहाल होते हुए अब नज़र आई है। तो अगर हम लोग उनको मिडल ऑर्डर में रखे हैं तो हमारे साथ हफीज़ सरफराज हमारा मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सरफराज एक एक्सपीरियंस कैंपेनर भी हैं। तो इस वजह से हमें अगर ओपनिंग स्लॉट में अगर रिजवान की जगह नहीं बनती तो हम लोगों को सरफराज को ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस बार। और इसी तरह अगर हम ODI में देखें तो ODI में तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचेस क्यों नहीं दोनों सरफराज और रिजवान को खिला सकते हैं, जिस तरह बाकी टीम्स खिलाती हैं। जैसे इंडिया को देख लें, वो KL राहुल को खिलाते हैं, ऋषभ पंत को खिलाते हैं, अभी उन लोगों ने ईशान किशन को भी डेब्यू करवाया था। और इसी तरह इंग्लैंड को देख लें, जॉनी बेयरस्टो खेलते हैं, उनके सैम बिलिंग्स खेलते हैं, बटलर खेलते हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान टीम रिजवान और सरफराज दोनों को ट्राई कर सकती नहीं करती, क्योंकि ओपनिंग वनडे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास उसमें हफीज़ भी नहीं है या अवेलेबल नहीं है या वो सिलेक्ट नहीं किए गए, तो इस वजह से हमारे पास इतनी बहुत जगह। अगर हम रिजवान और सरफराज का हम ये भूल नहीं सकते कि रिजवान बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, तो वो अपनी फील्डिंग के जरिए से भी हमें बहुत रन बचा के दे सकते हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग के जरिए मैचेस भी जितवा सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम दोनों को अगर टीम में ट्राई करें तो हमारा कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन सकता है, और इस चीज़ को हमारे कोचिज़ को ज़रूर देखना चाहिए, इस बात को भी देखना चाहिए कि किस तरह हमारी टीम बैलेंस होगी, क्योंकि हमारे पास वनडे में जगह है जिसकी वजह से सरफराज को हमें खिलाना चाहिए और हम खिला भी सकते हैं, और बहुत अच्छी हमारा मिडल ऑर्डर हो जाएगा, रिजवान बाबर सरफराज इस तरह करके हमारा बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप बन जाती है। इस तरह अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में तो सरफराज के लिए जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। अगर हम उनका इंग्लैंड टूर देख लें, न्यूजीलैंड टूर देख लें, अगर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो वाइस कैप्टन भी हैं, तो सरफराज के लिए टेस्ट में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह अगर हम वनडे T20 की बात करें, क्योंकि उनका वो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20, तो अगर हम देखा जाए तो T20 में अगर रिजवान की ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं बनती, अगर शकील खान को मौका मिलता है, तो क्या वो रिजवान T20 में नीचे के नंबर्स पे आके वैसा परफॉर्म कर सकेंगे कि जैसा वो ओपनिंग स्लॉट में करते हैं? इस चीज़ को हमारे कोचेस को ज़रूर देखना पड़ेगा और देखेंगे कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से अगर हम सरफराज को उसमें चांस T20 में अगर चांस दें तो हमारी बहुत अच्छी टीम बैलेंस हो सकती है, अगर आगे वर्ल्ड कप के लिए अगर हमारी टीम बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि वो एक सीनियर कंपेनर भी है।
जी बिल्कुल, अगर केएल राहुल और ऋषभ पंत एक साथ खेल सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो और जोस बटलर एक साथ खेल सकते हैं, तो मोहम्मद रिजवान और सरफराज क्यों नहीं। इसके बाद अगर कंटिन्यू करें तो शादाब खान, फहीम अशरफ और उनके साथ हसन अली, उस्मान कादर, अगर स्पिन विकेट हुई तो उस्मान कादर, नहीं तो किसी भी फास्ट बॉलर को प्रेफर किया जाएगा, और उनके साथ शाहीन शाफरीदी। यही एक्सपेक्टेड 11 होगी फर्स्ट वनडे मैच के लिए। अब अगर बात करें पाकिस्तान टूर ऑफ जिम्बाब्वे की, पाकिस्तान इस टूर के बाद जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की टूर करेगा, और जिसमें पाकिस्तान 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। इस हवाले से देखते हैं राबिया हसन की रिपोर्ट, उसमें क्या डिटेल्स हमारे लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राबिया हसन। जैसे कि आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका के टूर के बाद हमारा जिम्बाब्वे का टूर स्केड्यूल हुआ है। पाकिस्तान टू बिकम फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट टीम टू टूर जिम्बाब्वे पोस्ट कोविड-19 आउटब्रेक। तो जो पाकिस्तान की सीरीज स्केड्यूल हुई है जिम्बाब्वे के साथ, उसमें 3 T20s खेले जाएंगे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। जो 3 T20s हैं वो 21 अप्रैल, 23 अप्रैल एंड 25 अप्रैल को खेले जाएंगे, और पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से दोपहर 2 बजे खेले जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें टेस्ट की, तो पहला टेस्ट जो है वो खेला जाएगा 29 अप्रैल को, जबकि दूसरा टेस्ट खेला जाएगा 7 मई को। और पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से देखा जाए तो ये मैचेस 12:30 PM पे खेले जाएंगे, और ये सारे तमाम मैचेस जो है ये हरार स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू राबिया। कोविड-19 की बात करें तो आजकल इंडिया में कोविड-19 की वजह से जो रोड सेफ्टी सीरीज हुई, उसमें 4 इंडियन क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स को कोविड-19 पॉजिटिव आया, और जिसके बाद अब IPL काफ़ी ख़तरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह एक बहुत ही आला स्टैंडर्ड का जो टूर्नामेंट हुआ, सीरीज़ हुई, रोड सेफ्टी टूर्नामेंट सीरीज़ जिसको कहा गया, और उसमें इंडिया के 4 फेमस क्रिकेटर का कोविड पॉजिटिव आया, जिनमें सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान, इरफान पठान और उनके साथ बद्रीनाथ शामिल थे। अब इस हवाले से क्या IPL इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या IPL पूरा कराना पॉसिबल है या नहीं, इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जब कमाने हो पैसे तो इंसानी जिंदगी मायने नहीं रखती। जी हाँ, बात करने जा रहा हूँ जो कि इंडिया में एक सीरीज हुई, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के जो लेजेंड प्लेयर्स थे, जो कि रिटायर्ड क्रिकेटर जो हम होते हैं, वो खेलने आए। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, बहुत दिली बहुत दुख हुआ कि आपने पाकिस्तान को इन्वाइट तक नहीं किया। ठीक है, आपके आप नहीं खिलाना चाहते, आपकी गवर्नमेंट का इशू है, आप कम से कम इन्वाइट तो करते। ठीक है, वो बात की बात है, हम जाते या ना जाते, हम इतना पता है कि हमारी पाकिस्तान टीम हमारा जाती, हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो जाती। और ठीक है, आपने नहीं बुलाया, बहुत दिली अफसोस हुआ। हम पाकिस्तान हर वक्त हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, लेकिन आप हमें हर वक्त ये बात जितवाते हो कि हम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि वो सीरीज हुई, उसमें जो इंडियन प्लेयर्स थे, उसमें से काफ़ी ऐसे प्लेयर्स को जो है वो कोविड हो गया। आपको पता है कि कोविड की जो है वो वेव चल रही है, जो थर्ड वेव, वो बहुत तेज़ है, और उससे काफ़ी केसेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आपने सीरीज़ करवा दी, पैसे कमाने के चक्कर में आपने सीरीज़ करवा दी, जिसमें जी इरफान पठान को जो है कोविड उसका पॉजिटिव आ गया कोविड-19। उससे पहले जो है वो सचिन तेंदुलकर का था, यूसुफ पठान का था, बद्रीनाथ का जो है कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया हुआ है। तो क्या आप पैसे कमाने के चक्कर में इंसानी जिंदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडियन लेजेंड टीम जो है वो वर्ल्ड सीरीज जीती, मुबारकबाद की मुस्तक है, आप वाकई रियल में क्रिकेटर लेजेंड हैं। तो इस सूरत में मैं बात ये करना चाह रहा था कि IPL होने जा रहा है, क्या IPL होगा इस सिचुएशन में कि प्लेयर्स, एक छोटी सी सीरीज थी उसमें जो है वो प्लेयर, इतने सारे प्लेयर्स को जो है वो कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो क्या IPL होने जा रहा है? मुझे तो लगता है होगा, क्यों, जब आपके पास पैसा हो ना तो पैसे पे हर काम हो जाता है। देखिए, काफ़ी सारे अब IPL ही IPL को देख लें, काफ़ी सारे बोर्ड्स ने जो है वो अपने प्लेयर्स को जो है वो IPL खेलने पे तरजीह दी है, इवन कि उनकी सीरीज है, होम सीरीज होने के बावजूद। अब साउथ अफ्रीकन के प्लेयर्स को देख लें, वो अब पाकिस्तान के हाफ सीरीज खेल के जी IPL खेलने चले जाएंगे, पाकिस्तान के साथ सीरीज है वो भी नहीं खेल रहे। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ऐसे हैं, इवन के इंग्लैंड, यार मुझे ECB बोर्ड की इतनी समझ नहीं आई कि इंग्लैंड बोर्ड को क्या जरूरत है, अपनी सीरीज के लिए तैयारी करें, उनके पैसे की क्या कमी, लेकिन वो IPL खेलने के लिए भेज दिया जी, आप जाएं IPL खेलें, सीरीज होम सीरीज को मानी नहीं रखती। ठीक है, तो क्या IPL होगा? हाँ, IPL तो होगा, इतना मुझे लगता है, क्योंकि पैसे के बिना पे हर चीज हो जाएगा। देखिए, आप इंसानी जिंदगियों को तरजीह दें, इंसानी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा 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 आप किसी तरह से भी कमा सकते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगियों को तरजीह दें, प्लीज़
प्लीज इंसानी जिंदगी को बचाएं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ल्ड क्रिकेटर हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंटरटेन करते हैं, हमें अच्छी क्रिकेट देते हैं। तो प्लीज आप देखें, आप करवाएं, हम ये नहीं कहते आप नहीं करवाएं, हम ये नहीं चाहते कि IPL आपका इवेंट है आप उसे ना करवाएं, आप करवाएं, लेकिन आप मिसमैनेजमेंट मत करिएगा, आप मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करें। जैसे कि PSL हुआ है, PSL में भी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो मुलतवी हो गए, हम अपनी बात भी कर रहे हैं, हमारे भी मिसमैनेजमेंट हुई। आप देखें, आप अपने मैनेजमेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, अपने जो बायो स्केयर बबल है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल रखें ताकि उस पर इंप्लीमेंट हो आपके रूल जो है, उसमें किसी का COVID-19 जो है वो पॉजिटिव ना आए और आपका IPL कंप्लीट हो। हम तो चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो, लेकिन अब पैसों के चक्कर में इंसानी जिंदगियों को ज़ाया मत कीजिए प्लीज़। इंटरनेशनल क्रिकेट पर नज़र दोहराए तो इस वक्त बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबल थे, और उनके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका भी एक टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबल है। आइए इस हवाले से देखते हैं अहमद काजिम की रिपोर्ट को। तो इस हफ्ते जो मैच चल रहे थे वो इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ थी वो 3 ODI खेले गए, जिसमें पहले ODI में इंडिया ने जीता, बड़ा अच्छा मैच जीता, और सेकंड ODI में इंग्लैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन जब थर्ड ODI में फाइनल, तो इंडिया बहुत अच्छा खेला और इंग्लैंड को 2-1 से सीरीज हरा दी। और अगर हम अगली सीरीज़ की बात करें तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के T20 चल रहे हैं, जिसमें 2 T20 अभी तक खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया बांग्लादेश को और दोनों में शिकस्त दी। और वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो उनकी मैच में टेस्ट मैच चल रहा है, जो पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ और अब दूसरा टेस्ट मैच अभी कंटिन्यू हुआ। तो ये थी जो पिछले हफ्ते जो मैचेस खेले गए हैं। न्यूजीलैंड बांग्लादेश की वनडे सीरीज भी खेली गई थी, तो 3-0 से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया। और जो अब जो नेक्स्ट वीक जो मैचेस आ रहे हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है 2 अप्रैल से, और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का 30-20 खेला जाएगा, और वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का सेकंड टेस्ट कंटिन्यू है, और IPL भी 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बहुत सारी क्रिकेट अगले हफ्ते से स्टार्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक्शन देखने को मिले हमें। ICC वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन पॉसिबल हैं आने वाले दिनों में। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद या हारने के बाद किस पोजीशन पर रहेगी, इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हुसैफा की रिपोर्ट को। आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान फ्राइडे से अपनी ODI सीरीज़ का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान अभी ICC सुपर लीग में 20 पॉइंट के साथ हैं। उन्होंने आई थिंक 3 मैचेस खेले हैं, उसमें से 2 जीते और 1 हारे, जो जिम्बाब्वे से हारे थे। पाकिस्तान अपने अगर अपन अभी इंग्लैंड टॉप पे है 40 पॉइंट के साथ। अगर पाकिस्तान ये तीनों ODI जीतता है तो पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नंबर 1 पे आ सके, क्योंकि इंग्लैंड के 40 पॉइंट है और पाकिस्तान के 20 पॉइंट है। अगर पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतता है तो एज़ पर रूल एक मैच के 10 पॉइंट होते हैं जीतने में, तो पाकिस्तान 50 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे आ सकते हैं। दूसरी बात रही बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से, तो बाबर आजम ODI में नंबर 2 पे हैं और विराट कोहली नंबर 1 पे है। विराट कोहली की सीरीज इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उनकी 2019 से कोई सेंचुरी नहीं हो रही, 52 हुई है, तो जिस हिसाब से प्लेयर है तो आई थिंक सो इतनी अच्छी सीरीज नहीं है। अगर बाबर आजम की सीरीज़ बड़ी अच्छी जाती है, अगर वो 2 सेंचुरियाँ करते हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास भी होगी कि वो नंबर 1 पे आ सके। और बाकी रही T20 के बाद, T20 पाकिस्तान टोटल 7 T20 खेलेगा, 4 साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ। पाकिस्तान 4th नंबर पर T20 पे। अगर ये 7 के 7 मैच पाकिस्तान जीतता है तो अब रैंकिंग, क्योंकि T20 की उतना नहीं पता होता हमें क्योंकि वो ICC खुद करती है, तो मेरे हिसाब से नंबर टू पे तो पाकिस्तान आ सकती है, क्योंकि अभी नंबर 1 पे तो इंग्लैंड है, लेकिन नंबर 2 पे पाकिस्तान आ सकती है, तो उनके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और बाबर आजम T20 के हिसाब से बात करें तो वो भी आ सकते हैं ऊपर, क्योंकि लेकिन बट मेरे हिसाब से वो थोड़े नीचे आ चुके हैं T20 में, इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकते। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी सारे न्यूज़ आपके साथ शेयर किए थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सीरीज़ के हवाले से। मैं उस हवाले से क्लियर करता चलूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल साइड पर काफ़ी सारे डिस्कशन इस वक्त हो रहे हैं और बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आने के इम्कानात है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे तमाम व्यूअर्स को आगाह किया जाएगा जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट्स आए, मगर अब तक के जो रिपोर्ट्स हैं वो तमाम बहुत ही पॉजिटिव है और इंशाल्लाह अनकरीब बहुत ही खुशखबरी आप सबको ज़रूर सुनाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड इख्तिताम पज़ीर होता है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।